लैमिनेट को सही तरह कैसे चिपकाते हैं? पहले लैमिनेट और प्लाईवुड की सतह को अच्छी तरह से साफ करें। कचरा या धूल होने से जोड़ कमजोर बनता है और बबल होने की संभावना है। इस बात का भी ख्याल रखें कि प्लाईवुड या लैमिनेट कहीं से भी गीला नहीं है। पहले लैमिनेट पे और फिर प्लाईवुड से सही मात्रा में एडहेसिव लेके इस तरह समान रूप से लगा दीजिए। इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी जगह खाली ना बच जाए। एडहेसिव के सूखने से पहले लैमिनेट को प्लाईवुड के ऊपर चिपकाना चाहिए। लैमिनेट के कोने मिला के समान रूप से वजन दे के लैमिनेट को प्लाईवुड पे चिपकाइए। यह करने के बाद एक और बार लैमिनेट को खोल दीजिए, फिर चेक करें कि वजन देने के बाद एडहेसिव लैमिनेट और प्लाईवुड पे समान तरीके से फैला हुआ है। अगर कोई जगह खाली दिखे तो उस पे थोड़ा और एडहेसिव लगा दीजिए। वापस लैमिनेट को प्लाईवुड के ऊपर लगा के अच्छे से कोने मिलाएं। एक साफ कपड़े से बीच की ओर से समान वजन देते हुए एक्स्ट्रा एडहेसिव और हवा को बाहर निकाल दें। लैमिनेट के सारे कोने एब्रो टेप या कील से अच्छी तरह दबा दें, जिससे जोड़ मजबूत हो और हवा अंदर ना जा सके। अगर लैमिनेट का पीस 4x2 फीट से बड़ा है तो उस पर वजन या प्रेशर रखना जरूरी है। ये करने से हवा अंदर नहीं जा सकती और एडहेसिव अच्छे से पकड़ बना सकता है। अलग अलग एडहेसिव की तकनीक के अनुसार इसे 6 से 24 घंटे तक दबाव डालकर रखना चाहिए। ये करने से जोड़ मजबूत बनता है और फर्नीचर सुंदर दिखता है। दो लैमिनेट को बगल में चिपकाते वक्त 1.5 mm की एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ें। ये करने से जब मौसम के बदलने पर लैमिनेट एक्सपेंड होता है तो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े और आपके फर्नीचर की सुंदरता सालों तक बरकरार रहे।